शरीर की पांच इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श जो हमारे शरीर के मुख्य अंगों में से एक है। वहीं अगर इन पांचों में से किसी एक को भी कुछ होता है तो हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन पांचों का खास ख्याल रखना होता है। लेकिन वहीं अगर एक छोटे से बच्चे की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होती है कि वे अपने बच्चों के इन पांचों अंगों का खास ख्याल रहे जब तक वो समझदार ना हो। वहीं कुछ लोग इन चीजों को नजरअंदाज भी कर देते हैं। हालांकि आपको आज बच्चों के कान में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे। जी हाँ, बच्चों के कान में होने वाले इन्फेक्शन का कारण होता है एडेनोइड्स में सूजन। एडेनोइड्स टिश्यू होते हैं जो टॉन्सिल के आसपास मौजूद होते हैं और ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर में जाने से रोकते हैं। जबकि वहीं अगर आपके बच्चे के कान पर चोट लग जाए या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आपके बच्चे के कान में एडेनोइड्स में सूजन आ जाती है, जिसके कारण बच्चों के कान में संक्रमण होता है। बेहतर होगा तुरंत डॉक्टर से शिशु का चेकअप अवश्य कराएं। नंबर टू, वायु दाब में बदलाव। आपको बता दें कि बच्चों में संक्रमण होने का एक कारण वायु दाब में बदलाव का होना भी है। वहीं अपने बच्चे को तेज तेज हवा में बाहर निकलने से बचें, साथ ही किसी तेज आवाज या फिर प्लेन के टेक ऑफ या लैंड होने की आवाज से अपने बच्चे को बचा के रखें, क्योंकि इससे आपके बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो सकता है। बेहतर होगा आप इन चीजों से बच्चों को दूर रखें। नंबर थ्री, एलर्जी। वहीं किसी नवजात शिशु में कई तरह के एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। वहीं शिशु में इन्फेक्शन होने का कारण म्यूकस बनना भी है। आपको बता दें कि म्यूकस कान की ग्रंथियों को ब्लॉक कर देता है और साइनस भी बच्चे के कान में इन्फेक्शन का कारण बनती है। बेहतर होगा इन चीजों में सावधानी बरतें। आइए अब आपको कान के संक्रमण के उपाय के बारे में बताते हैं। वहीं बच्चों के कान में आजकल बहुत सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर आपके शिशु के कान में भी कोई परेशानी है तो कान के संक्रमण को ठीक करने के लिए आप शिशु के कान पर गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे का संक्रमण जल्द ठीक होगा, साथ ही उसे कान के दर्द से राहत भी मिलेगी। साथ ही बच्चे को अपना स्तनपान करवाएं और स्तनपान बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इससे भी बच्चे को राहत मिलती है। वहीं आप सभी जानते ही होंगे कि बड़े से लेकर बुजुर्ग और बच्चे के लिए धूम्रपान वाले धुएं कितने नुकसानदायक साबित होते हैं और इस धुएं का सबसे गहरा असर बच्चे के कान पर पड़ता है, जिसे शिशु को सुनने में भी परेशानी होने लगती है। इसका कारण स्मोक से कान के इन्यूस्टेचिन ट्यूब में जलन होने लगती है, जिसके कारण संक्रमण हो जाता है। बेहतर होगा आप अपने बच्चे को धूम्रपान करने वाले से दूर ही रखें, साथ ही कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। करण हेल्डक से रानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।